वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि प्लांट्स देख के आज मेरा सब्जेक्ट है टिकोमा। ये एक सदाबहारी प्लांट है जिसमें 12 महीने तक फ्लावर्स आते हैं। इस गमले में मैं रिपोर्ट करूंगी। एक और प्लांट आता है उसका नाम टिकोमा वाइने, इसमें बंच में फ्लावर्स आते हैं ऑरेंज कलर के। मेरे को ज़्यादा 12 महीने फ्लावर्स ही अच्छे लगते हैं सदाबहारी। अभी तो इसकी लीव्स वगैरह सारी छोटी है। ये मेरे अराउंड 40-50 रुपीज़ का ही आया है नर्सरी में। जोधपुर में तो यही रेट मिलती है, अलग अलग नर्सरी में अलग अलग प्राइस है। इसकी टोटल 17 वेराइटीज़ आती है, मेरे पास तो अब एक ही है। इसको रिपोर्ट करेंगे गमले में। एक गमला खाली था, मैं उसी में ही करूँगी। मिट्टी हटाओ। देखो जो नर्सरी वाली मिट्टी है इसको हटाएंगे नहीं, नहीं तो प्लांट्स की जड़ें बाहर आ जाती है और प्लांट्स को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आती है। इसकी रूट तो अच्छी हो गई है। फ्लावर्स आई भी इसके ऊपर कुछ। वैसे तो सर्दी का सीजन है तो प्लांट्स की इतनी केयर करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि पानी की भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। वीक में आप 2 बार पानी दो बहुत है। सर्दी में तो मैं इसी में थोड़ी सी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी, एसिडिक सॉइल हो जाएगी। ऑरेंज कलर के बंच में फ्लावर्स आएंगे इसके ऊपर बड़े बड़े। इसका कलेक्शन था नहीं मेरे पास इसलिए मैंने इसको कलेक्ट किया। एक येलो कलर का है वो भी अच्छा है। इसकी लीव्स छोटी छोटी सी है। वैसे तो ये गमले में लगा है तो इसकी थोड़ी बहुत केयर रहेगी, अगर ये ज़मीन में लगा होता तो इसकी केयर नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, पर गमले में तो थोड़ा बहुत खाद पानी का देखना पड़ेगा। कोई भी प्लांट्स हो गमले में लगा तो उसकी थोड़ी बहुत तो केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ अगर आप मिट्टी में लगा रहे नीचे ज़मीन में तो उसका ज़्यादा केयर नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।